200 के आसपास स्कूल बंद है पूरे ज़िले में मेरे हिसाब से तो। मुख्यमंत्री ने जो माँ बुला के उनको पैर धुलवाया, उनके साल लड़ाई, उनका सम्मान किया, इससे कोई पाप नहीं धुलते। मैंने खुद ने कम से कम 2000 शादी अटेंड करी। लोगों को आपके घर आना पड़ता चल के दूर दूर से, आप गांव में नहीं जाते, उनकी वहां जाके नहीं सुनते, क्या ये बात सच है? 246 गांव मेरे हैं, 246 गांव में रोज जा नहीं सकता हूँ, पर जिसकी समस्या वो तो आता ही है ना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बोरखड़ नाम के एक गांव में हैं। ये अलीराजपुर ज़िले का एक गांव है और इस गांव का एक परिवार है जो राजनीति में है और एक का उनका लंबा इतिहास है यहाँ की राजनीति में, काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार है। और उसी परिवार के एक सदस्य मुकेश पटेल जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनको मुकेश पटेल कहा जाता है लेकिन असली नाम है मुकेश रावत। रावत पटेल, क्योंकि ये गांव के पटेल हैं इसलिए पटेल कहा जाता है। पटेल एक तरह से पद हुआ आप लोगों का, क्या होता है पटेल के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए कैसे हो? पटेल का मतलब कि पूरे गांव का मुखिया। अच्छा 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 अच्छा। और मुकेश पटेल जी या मुकेश रावत जी फिलहाल विधायक हैं और चुनाव आ रहा है, तो कितने कॉन्फिडेंट हैं? अब तो चुनाव बस कभी भी अनाउंस हो सकता है। चुनाव की तो तैयारी मेरी पूरी है और बाकी जनता के ऊपर है, जनता जो भी फीडबैक देगी 2023 में देगी। हाँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या क्या काम किए आपने? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए कि पिछले 5 साल में आपने क्या क्या अच्छे काम किए अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए? तो काम तो क्या है, हमारी सरकार बनी थी कांग्रेस की, 15 महीने चली। अब सरकार अगर यहाँ पर अगर होती तो अपन अच्छा काम करें, लेकिन इसके बावजूद मैंने भी अच्छा काम भी किया और 15 महीने हमारी सरकार भी गिर गई। कमलनाथ जी ने अच्छा काम भी किया लेकिन कुछ लोग उधर चले गए तो उनके वापस सरकार बन गई। अब सरकार नहीं रहने से दिक्कत तो आती है, वो तो सबको पता है। फिर भी मैंने मेरा एक जो काम करने का तरीका था जो मैंने किया, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं हर गांव में टैंकर बांटूं, या पानी की ज़्यादा समस्या रहती है हमारे क्षेत्र में, शादी जैसे नुक्ते बार में जो बोलते हैं हम, शांत हो जाता है उसमें, वो होते हैं हमारे, तो पानी की समस्या ज़्यादा रहती है। तो मेरे हर गांव मैंने टैंकर वितरित किए, डीपी की जो बिजली डीपी ज़्यादा समस्या बिजली की रहती है, तो मैंने वहाँ पर फोकस किया ज़्यादा ज़्यादा। मैं डीपी और टैंकर पे मैंने काम किया और जो भी समस्या है बाकी तो हम कर ही रहे हैं। हमारे आधे समाज में सिर्फ क्या है, बिजली पानी और रोड, वो उनको वो चाहिए, शिक्षा अस्पताल। तो आपने टैंकर बांटे तो इसका मतलब ये है कि आपके इलाके में पानी की भारी समस्या है, पानी की ज़्यादा समस्या यहाँ पर, और खेती किसानी के लिए भी पानी नहीं है और पीने के लिए भी पानी नहीं है। लेकिन टैंकर तो कोई स्थायी समाधान तो नहीं है? नहीं है ना। तो स्थायी समाधान क्या हो सकता है? स्थायी समाधान के लिए अभी जैसे हमारी एक नर्मदा लिंक भी हुई है पानी, नर्मदा जी का, तो वो अभी इनका आ रहा है अभी खेती के लिए, लेकिन हमारा क्षेत्र सबसे बड़ा सोंडवा लगता है, वो छूटा है। अब वो नर्मदा पूरा पानी है जो वहीं से आ रहा है, और वही लोग जो मेरा क्षेत्र है फूलमाल है एक सोंडवा, वो छूट गया। तो अभी जैसा भी सीएम आया था यहाँ पर, आए थे सीएम साहब भी, अभी घोषणा करी है, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है उनकी घोषणा। नहीं, घोषणाएं तो आपके मुख्यमंत्री बहुत सारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बार बार आदिवासी इलाकों में आ रहे हैं, तो घबराहट तो हो रही होगी? बिल्कुल, घबराहट तो होना भी चाहिए क्योंकि नहीं, आपको घबराहट होनी चाहिए ना कि मोदी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आपके इलाके में लोगों से वोट मांगने, तो आपको थोड़ा सा घबराना चाहिए। अरे मुझे को घबराने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैंने हमेशा जमीन पे काम किया। अब जो फैसला करेगा जनता के, जनता को क्या चाहिए, या तो घोषणा भी चाहिए या तो काम करने वाला चाहिए। अच्छा, वो घोषणा वाले हैं? हाँ,
क्या जमीन खिसक रही है। तो अभी मेरा तो यही एक ही सवाल है कि आप 18 साल तक आपकी सरकार रही, जब तो बहनों को याद नहीं है, अभी आपको 3 महीने पहले आपकी बहनों की याद आ गई, तो कैसे आई? आपकी जमीन खिसक रही है, इसके बाद ही अगर चलो ठीक है आप बांट रहे, अच्छी बात है, 11,000 रुपये आप दे रहे हो, लेकिन कब दे रहे हो? जब आपकी सरकार हिमाचल में गई, आपकी कर्नाटक में चले गई, छत्तीसगढ़ में मिल रहा पैसा, राजस्थान मिल रहा है, अब उनको लगा कि नहीं मेरे को भी देना चाहिए, बहनों के अब याद आ गई है। और आपकी पार्टी ने भी कई अनाउंसमेंट किए हैं, अगर सरकार में आए तो महिलाओं को, बेरोजगारों को पैसा देंगे। कमलनाथ जी ने भी घोषणा की है कि 1500 रुपये महिलाओं को, 500 रुपये टंकी, 2000 रुपये मिलेगा जैसे सरकार बनेगी। तो हमने देखा कि आपके ऑफिस के सामने अभी से फॉर्म भर रही हैं महिलाएं इस योजना के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे क्या क्या फॉर्म भरवा रहे हैं आप? ये लाडली जो बहना है, कमलनाथ जी की योजना है, हम महिला तक पहुंचा रहे हैं ताकि ये फॉर्म वहाँ जमा होंगे और इनके माध्यम से हम जब गवर्नमेंट बनेगी तो उनको पैसा मिलेगा। अच्छा। मैंने खुद मेरे विधानसभा 20,000 के ऊपर फार्म मैंने भरे हैं। अच्छा। पर अभी भी भर रहा हूँ मैं। तो आप बेसिकली अपनी वोट पुख्ता कर रहे हैं? बिल्कुल। ये बात सही है कि आपकी सरकार नहीं है, आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन लोगों को तो विधायक से उम्मीद रहती है, आपके पास काम के लिए आते हैं, चाहे आप विपक्ष में हैं, लेकिन उनके लिए तो आप ही सबसे बड़े नेता होते हैं। तो कभी ऐसी बेबसी आपको महसूस होती है कि अरे मेरे लोग आ रहे हैं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई ऐसी सीमा आपको नज़र आती कि नहीं कर पा रहे हैं आप? वैसे तो लगता है, लेकिन हम छोटे छोटे काम आते हैं। अब हमारे आदेश समाज में कि थाने का काम आ जाता है, और कोई छोटे मोटे काम आते हैं वो हम कर देते हैं, बाकी तो जो बड़े बड़े जो काम है वो तो हम, अब सरकार है किसी की, वो तो करना पड़ता है, हम अधिकारी पास भी जाते हैं वो भी कर देते हैं। अब जनप्रतिनिधि, जनता ने मुझे चुना तो काम तो करना पड़ेगा, तो करता भी हूँ मैं तो। अभी आपने देखा 2 दिन से आप भी मेरे पास आए हैं, यहाँ पर बैठे कितने लोग आते हैं, उनकी समस्या सुनता हूँ। मैं आपके इलाके में कई गांवों में घूमा हूँ और मैंने ये पाया कि स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, छत टपक रही है, दीवारों में क्रैक है, अगर 32-31 बच्चों का नाम लिखा हुआ है तो 12-15 बच्चे स्कूल आए हैं, कहीं मिड डे मील ठीक से नहीं मिल रहा है, और जो बहुत बड़े अच्छे स्कूल माने जाते हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो आदिवासियों के लिए हॉस्टल युक्त स्कूल हैं, उनमें भी एक स्कूल को छोड़ के कई ऐसे स्कूल हैं EMRS जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो एजुकेशन की बहुत खस्ता हालत है आपके इलाके में, क्या आपने इस मामले को कभी उठाने की कोशिश की, इसका कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश की? मैंने तो कई बार लिखा भी, पत्र भी लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मतलब हर एंगल पर मैंने आवाज़ उठाई है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शिक्षा की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। अब ये तो गवर्नमेंट की नाकामी है, स्कूल में टीचर नहीं, हर जगह कहीं आप भी गए होंगे, कहीं स्कूल में ताले लगे हुए हैं, अब टीचर है ही नहीं और स्कूल चलेगी कैसे? हर जगह यही हालत है, कम से कम 200 के आसपास स्कूल बंद है पूरे ज़िले में मेरे हिसाब से तो। अभी जो नई भर्ती हुई है अभी, अब उसमें भी एक टीचर कितना पढ़ाएगा? तो ये बात सही है कि ये सरकार की जवाबदेही है, सरकार को ये करना चाहिए था, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पे ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप विधानसभा में उठाएं, दूसरे फोरम्स पे उठाएं, अधिकारियों के सामने उठाएं। क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? बिल्कुल, मैं हर बार स्कूल में भी जाता हूँ, विजिट भी करता हूँ, इसके अधिकारियों से, जो संबंधित अधिकारी उनसे भी बात करता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, कई जगह स्कूल बंद रहती है, वहाँ भी मैंने लिखा। अब टीचर
है नहीं वहाँ यहाँ पर अवेलेबल। अब अभी भी जो नया है वो भी कुछ कुछ स्कूल हुए, कुछ तो खाली अभी भी खाली है वहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, अभी बहुत ही ऐसी घटना हुई, बल्कि उसको वारदात कहना चाहिए, मध्य प्रदेश के सीधी में, जब एक आदिवासी के ऊपर एक आदमी नशे में पेशाब कर देता है। उसकी काफ़ी चर्चा हुई सोशल मीडिया पे, आपके मुख्यमंत्री ने उसके पैर धोए। क्या आपको लगता है कि सीधी की ये घटना जो है वो चुनाव पे प्रभाव डालेगी? चुनाव पे तो प्रभाव डालेगी, क्योंकि एक आदिवासी समाज का जो हमारा भाई था उनके ऊपर पेशाब भी किया, और इसके बाद मुख्यमंत्री ने जो माँ बुला के उनको पैर धुलवाया, उनके साल लड़ाई, उनका सम्मान किया, इससे कोई पाप नहीं धुलते। क्योंकि जो घटना घटी वो तो जनता को मालूम है ना। उसके बाद फिर वो जो गिरफ्तार हुआ तो लेट हुआ गिरफ्तार, वो समाज के लिए भी कलंक है वो तो। बीच में कुछ जो घटना गोली वोली मारी अभी बीच में, वहाँ भी घटना, हमारा आधे समाज में इतनी घटना घट रही, सरकार चुप। कई घटना घटी, सरकार ने अभी तक कोई वो ठोस कदम ही नहीं उठाए। अच्छा एक और बात बताइए कि क्या आपके इलाके में, क्योंकि आपका ये जो जिला है अलीराजपुर, यहाँ दो विधानसभा सीटें, दो, जोबट अलीराजपुर, जोबट और अलीराजपुर, और दोनों ही एसटी रिजर्व हैं, तो क्या यहाँ मणिपुर मुद्दा बन सकता है, जिस तरह से मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निशाना बनाया गया? क्योंकि मैं विश्व आदिवासी दिवस पे यहाँ था तो काफ़ी चर्चा हो रही थी मणिपुर की। क्या आपको लगता है कि हल्का फुल्का ही सही मणिपुर की घटनाओं का भी प्रभाव पड़ेगा? अब वो समाज की बात है, वहाँ भी आदिवासी यहाँ भी आदिवासी, तो कम से कम हम उनके लिए आवाज़ तो उठाएं, इसलिए हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई, ताकि यहाँ भी हम सतर्क हो जाए, क्योंकि हर जगह इनका लड़ाने का काम चल रहा है, एक दूसरे को लड़ाने का जो काम चल रहा है वो सतर्क हो जाए। और वो जहाँ आज भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं मणिपुर में, जंगल में भटक रहे, उनको छत नहीं मिल रही है, भूखे पैसे आज भी है वो, और सरकार कुछ कर नहीं रही है वहाँ पर। वहाँ का जो मुख्यमंत्री इस्तीफा देना तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने बयान नहीं दिया आज तक, अभी कुछ दिन पहले दिया वो। अक्सर ये कहा जाता है कि जब आदिवासी जनप्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं तो वो फिर बड़े आदमी हो जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं, वो दिल्ली भोपाल ज़्यादा पाए जाते हैं और जनता से कट जाते हैं। आपका क्या हाल है? देखो मैंने मेरी जो राजनीति है, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, और सबसे पहले जनता। मैं कभी जब मेरा कुछ काम हो तो मैं भोपाल जाता हूँ या मीटिंग, इसके बाद में मेरे क्षेत्र में रहता हूँ, क्योंकि मैं विधानसभा जो क्षेत्र में मुझे बुलाते हैं, शादी या कोई गमी हो जाती है या तो नुक्ते है, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ मेरे को, मैं अटेंड करता हूँ कार्यक्रम। क्योंकि अभी इस साल जो हमारे यहाँ शादी हुई थी, मतलब 2-3 महीने का जो टाइम रहता है, मैंने खुद ने कम से कम 2000 शादी अटेंड करी। और आप अब जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र में गमी हो गई, मुझे रात को फ़ोन आ जाता कि यहाँ हो गई है, तो मैं सुबह उठ के जाता हूँ वहाँ, माला साल करके फिर वापस रिटर्न 10 बजे मैं आता हूँ, इसके बाद जनता की समस्या सुनता हूँ। तो आप लोगों के साथ खड़े होते हैं? लोगों के साथ, हाँ। लेकिन एक आलोचना मैंने सुनी आपके इलाके में, आलोचना ये है कि आप काम तो करते हैं लोगों के, लेकिन उसके लिए लोगों को आपके घर आना पड़ता है चल के दूर दूर से, आप गांव में नहीं जाते, उनकी वहाँ जाके नहीं सुनते, क्या ये बात सच है? बिल्कुल, लेकिन अब क्या, जैसे आप पूरा क्षेत्र विधानसभा है, मैं पूरे अब हर 246 गांव में रहें, 246 गांव में रोज़ जा नहीं सकता हूँ, तो जिसकी समस्या वो तो आता ही है ना। तो कोई सी भी पार्टी का नेता बनेगा वो तो, कोई भी कार्यकर्ता जिसका भी काम होता आना है आएगा, वो उनकी समस्या भी सुनते हम। हाँ अगर ऐसा होता हम जैसे हम जाते
छकतला चले गए या उधर चले गए, तो वहाँ भी उनके बात हम सुनते हैं। तो ओवरऑल जो आपकी विधानसभा नहीं, सिर्फ जो आदिवासी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, पिछली बार आपकी पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन पिछले करीब 2 साल हो गए हैं अब मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी ने आदिवासियों को लेकर प्रचार किया है, कैंपेन किया है, कई तरह की बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की हैं, मसलन रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी नायक के नाम पर रखा गया है ना, कई तरह की और घोषणाएं की गई हैं, उनका दावा है कि हम आदिवासियों को सम्मान दे रहे हैं। तो इससे क्या आपकी पार्टी को चिंतित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए? अब सरकार है, सरकार का काम करेगी। अब हम विपक्ष में हैं तो हम हमारा काम करेंगे। अब सरकार जो कर रही है, जैसे नाम चेंज किया है, तो अब उनको याद आ रही है कि यार अब आदिवासियों के हम काम कर रहे हैं। 18 साल से आदिवासियों के लिए कुछ क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट लिया। जब हमारे कमलनाथ जी ने जब 15 महीने में जो काम किया, कर्जा माफ किया, 300 से 600 बढ़ाया, हर गांव में बर्तन का जो पैसा वो भी दिया कमलनाथ जी ने, ऐसी का अच्छी योजना है। लेकिन 15 महीने जो सरकार चली और 15 महीने हमारी सरकार गिर गई, तब तो फिर ये जो सिंधिया जी थे वापस उधर चले गए, कुछ विधायक चले गए, सरकार गिर गई। लेकिन हम आदिवासियों के लिए हमारी जो सरकार थी 15 महीने अच्छा काम किया। लेकिन कई बार ना लोगों को ये भी लगता है कि अगर कांग्रेस को वोट दे भी दिया, इनकी सरकार बन भी गई, तो मोदी अमित शाह और शिवराज चौहान में मिल के फिर गिरा देंगे इनकी सरकार, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग कहें कि यार इनको वोट देना बेकार है? नहीं 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 आदिवासी कभी नहीं बिकता। मेरे पास भी आए थे कि आप भी चलो, मैं नहीं गया। कितना ऑफर मिला था? मेरे पास 50 के ऊपर मिला था, आप जाओ। तो आप 50 करोड़ तो बहुत होते हैं। नहीं भाई, आदिवासी बिकता नहीं ना, हमारे खून खून में कांग्रेस है। हम ये काम नहीं कर सकते। आपके पिताजी भी कांग्रेस में विधायक रहे, मंत्री रहे? पिताजी भी रहे, मामा 35 साल विधायक रहे, फिर पिताजी भी रहे। इसके बाद हम 15-20 साल से हम कांग्रेस के साथ में खड़े हैं। भाई साहब हमारे 3 बार चुनाव लड़े, एक बार भाभी भी लड़ी, अब फिर मैं लड़ा भी। हमारे नगर पालिका 35 साल से। अच्छा, एक और चीज़ की चर्चा हो रही है, मैंने मंडला में भी आपके एक विधायक हैं अशोक मर्सकोले, उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने भी हाँ में जवाब दिया था कि क्या मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी विधायक ही हैं जो पार्टी के साथ डट के खड़े रहे जब सरकार गिरी। तो क्या आपको कभी लगता है कि यार आदिवासी नेताओं को वो भाव नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी में जो मिलना चाहिए? वो तो पार्टी का निर्णय है, अब पार्टी जो फैसला होगा वो मान्य रहेगा। हाँ नहीं नहीं, पार्टी का फैसला तो मान्य होना ही चाहिए, लेकिन कभी लगता नहीं है कि यार आदिवासियों को, मतलब आप विधायक हैं, कमलनाथ जी ने आपको तो मंत्री बनाया नहीं था, तो आपको बुरा नहीं लगता है कि मतलब आदिवासियों के साथ ऐसा किया जाता है? नहीं नहीं, वो तो पार्टी का है ना, हम तो उसमें जा नहीं सकते, पार्टी जो भी फैसला वो मान्य रहता। नहीं, लेकिन अगर आप मंत्री बन जाएंगे तो आप अपने लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। अब जो अब हम 2023 में जीत के जाएंगे, इसके बाद जो भी फैसला होगा ऊपर वही मान्य रहेगा। लेकिन आपने भी सुना होगा कि अगर बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती है, लेकिन आदिवासी नेता अगर ये मांगेंगे ही नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारा मंत्री होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी बनाएगी आपको? अब पार्टी बनाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी मेरे 3 साल हुआ, मेरा 2 साल में तो कोरोना में चलेगा, मैं कम से कम 3 साल अब फिर चुनाव लड़ना मेरे को, फिर अगली बार जो भी होगा इन्होंने होगा उसके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी समय नहीं आया है? हाँ वो, लेकिन जैसे अब कांतिलाल भूरिया जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, इसका मतलब पार्टी ये मानती है कि आदिवासी उनकी जीत के लिए बहुत ज़रूरी हैं,
आदिवासी नेताओं को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, लेकिन कांतिलाल भूरिया को आप मुख्यमंत्री के लिए भी तो प्रोजेक्ट कर सकते थे। अब वो तो पार्टी का ही निर्णय ना, अपन तो इसमें बोल नहीं सकते हम। पार्टी पार्टी का निर्णय और आप पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये मुकेश रावत जी कांग्रेस के विधायक हैं और किसी भी दिन मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा होगी, तैयारियां यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, टिकट के दावेदार भी कर रहे हैं और प्रशासन भी चुनाव की तैयारियां कर रहा है। ब्लॉक जो बूथ लेवल की कमेटियां हैं वो बनाई जा रही हैं, पार्टियां, प्रशासन, सरकार सब अब चुनाव में लगा हुआ है, मध्य प्रदेश चुनाव में हो गया है। और मैं भी भारत क्योंकि आदिवासियों के मुद्दों से सरोकार रखता है, तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में यहाँ के जो आदिवासी नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और लोगों के मन की बात भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने जनप्रतिनिधियों से कितने खुश हैं या किस तरह के जनप्रतिनिधि वो चुनना चाहते हैं। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं भी भारत को लगातार देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।